सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, यदृक्षया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। अर्थात हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं अर्थात भाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं जिससे स्वर्ग के जो द्वार हैं वे खुल जाते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ यानी हे प्रथा के पुत्र, क्षत्रिय के विषय में पराशर ऋषि ने कहा है कि क्षत्रियो ही प्रजारक्षण शस्त्र पाणि ही प्रदंडयन निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालेत। यानी क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी प्रकार से नागरिकों की रक्षा करे, शस्त्र के द्वारा, दंड के द्वारा, और शांति तथा सुव्यवस्था बनाए रखे, और जरूरत पड़ने पर जो शत्रु सेना है उसे परास्त करे और धर्म सम्मत नियमों के द्वारा अपने नागरिकों का पालन करे। यह क्षत्रियों का कर्तव्य है, यह उसका स्वधर्म है, यह उसका आचरण है, यह उसका कर्तव्य कर्म है, इससे उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो यह क्षत्रियों के धर्म के विषय में पराशर ऋषि ने कहा है। अब जो स्वर्ग के द्वार हैं वह अपने आप ही खुल जाते हैं यदि इसे योग शास्त्र की बात समझी जाए और यदि इसे यह समझा जाए कि किस तरह से द्वार खुलते हैं। तो स्वर्ग का अर्थ होता है आत्मा, स्व के भीतर में गमन करना। तो यह द्वार अपने आप खुल जाता है। यह ऐसी स्थिति आती है कि अपने आप ही युद्ध की वह स्थिति आ जाता है जिससे कि उसको वह सु अवसर प्राप्त हो जाता है कि वह ऐसे सामाजिक या अलौकिक युद्ध में साथ में रहे और उस अवसर को वह अपने अर्थ में भुना ले जिससे कि स्वर्ग का द्वार उसके लिए अपने आप खुल जाता है। यदि इसे धर्म युद्ध समझा जाए तो जो व्यक्ति इस तरह से सीखने के लिए उद्धत हो जाता है या इस तरह से युद्ध के लिए उपस्थित होता है तो उसे इस तरह के सद्गुरु अवश्य मिल जाते हैं जो उसे जो विषाद उत्पन्न करने वाले मोह, क्रोध, लोभ, द्रोह या राग, द्वेष और पिसुन आदि विकार हैं तो इन विकारों से युद्ध करने का उसे साधना रूपी अस्त्र शस्त्र मिल जाता है जिससे कि वह इन सब को नष्ट करके स्वर्ग के द्वार को अपने आप ही खोल देता है। तो ऐसे बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं और यही भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो काफ़ी सुखी हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे क्षत्रिय सुखी हैं और क्षत्रिय साधना की वह अवस्था होती है जिसमें कि उसे अपने विकारों को काटने का, अपने विकारों के प्रति युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता रहता है और यह सद्गुरु के संरक्षण में उसके दिशा निर्देश पर होता रहता है। यही योग शास्त्र का यहाँ पर अर्थ है। वैसे और जहाँ तक महाभारत की कथा है तो भगवान ने तो पांडवों से
यह कहा था कि मैं जा रहा हूँ और दुर्योधन को समझाऊंगा, तो पांच गांव पर भी संधि की बात हो रही थी लेकिन वो तैयार नहीं हुआ। तो दुष्ट लोग जो होते हैं वे नहीं मानते हैं, जितने भी उन्हें छूट दी जाती है वे उसे कम समझते हैं और दुनिया भर के संसाधन को वे अपना ही समझते हैं और अन्य कैसे जिएंगे इस विषय में कुछ नहीं सोचते। तो उन्हें छूट देने से कोई फायदा नहीं होता है, आपको अंततः उससे युद्ध करना ही पड़ता है। तो वह युद्ध अपने आप ही उपस्थित हुआ लाख संधि के प्रयासों के बावजूद भी, क्योंकि हर एक संधि के प्रयासताओं को उसने सिरे से नकार दिया। तो यह जो युद्ध की स्थिति अपने आप उपस्थित हुई थी उसी को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुमने यह युद्ध नहीं उपस्थित किया है, यह युद्ध तो स्वयं ही अपने आप ही तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है, तो इसका तुम लाभ उठाओ और तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं। तो इसलिए मोह को त्याग कर